खेसारी लाल यादव के लिए घर से एक अच्छी खबर आ रही है कि लोगों को ये लग रहा है कि खेसारी कुछ तो कर रहे हैं घर में। खैर यही बात अब सिद्धार्थ शुक्ला को भी लग रही है। सिद्धार्थ शुक्ला और खेसारी दोनों के बीच हल्की फुल्की बात हुई और उस बात में सिद्धार्थ शुक्ला ने खेसारी लाल यादव को कहा कि पहले इन्हें जरा भी ये घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और लोगों को ये लग रहा था कि खेसारी लाल यादव दिख नहीं रहे हैं। खुद सिद्धार्थ शुक्ला कह रहे हैं कि मैंने कईयों के मुंह से भी सुना कि खेसारी लाल यादव बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे घर में, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही साथ ये सब कुछ तब हो रहा था जब बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार चल रहा था। उसमें से घर वालों को सभी को एक एक बैच पहनाना था, कौन कौन सी चीज को डिजर्व करता है। जैसे शेफाली को दिशाहीन कैप्टन कहा गया और तो और गायब हिमांशी खुराना को कहा गया, तो उसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का जो तमगा है वो खेसारी लाल यादव के पास गया। और कई ऐसे लाइट मोमेंट भी आए जब खेसारी लाल यादव और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों काफी अच्छे नोट पर भी आए। ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर खेसारी और सिद्धार्थ में जो नोकझोंक वाला है, जो रसाकसी वाला जो रिश्ता है, वो बदल कर अच्छे मोड़ वाला हो जाएगा। लेकिन जब खेसारी लाल यादव और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों के बीच में जब ये बातें हो रही थी, जब सिद्धार्थ शुक्ला खुद खेसारी के बारे में कह रहे थे कि लोगों के मुंह से मैंने भी सुना है और मुझे खुद भी लगता था कि खेसारी घर में कर क्या रहे हैं, लेकिन तब से अब मैं काफ़ी सुधार है खेसारी के हर एक चीज़ों में, तब इन दोनों के बीच में जो ये बातें हो रही थी वो एटीट्यूड झलक रहा था दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव को सिद्धार्थ की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि जिस एटीट्यूड में सिद्धार्थ बोल रहे थे उस एटीट्यूड को खेसारी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर भी खेसारी ने फ्लाइंग किस देते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को कहा कि अच्छा है, ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो यानी कि यहां ये कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव घर में किस तरह से गेम लेंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।